बाई आंख सामने कीजिए। ठीक है, हो गया। अब दाई आंख सामने कीजिए। आप जा सकते हैं। क्या आप हाउसमेड हैं? मेरे पास हाउसमेड का वर्क वीजा है। मैं इस काम को 6 सालों से कर रही हूँ, लेकिन जब मैं नौकरानी का काम करते करते थक गई तो मैं अपने मायके चली गई, लेकिन पैसों की खातिर फिर से वापस आ गई। लोग सोचते हैं कि सऊदी अरब में बहुत पैसा है और मैं कोई अच्छा काम करती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अश्वथी। जब एम्प्लॉयर के घर जाओगी तो नाम बदल जाएगा। वो अलग अलग नामों से बुलाएंगे, वरना वो तुम्हें हाउसमेड कहेंगे। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? पटाम्बी के पास। मैं कोटुंडी में पली हूँ, मेरा मायका है। तुम यहाँ पर कब आई? आज सुबह। तुम्हारा स्पॉन्सर जानता है तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ की फ्लाइट लेने से पहले मुझे वीजा भेजने वाले उस्मान ने फोन किया। उन्होंने कहा कि वे स्पॉन्सर के साथ हाईवे अड्डे पर आएंगे। वो आएंगे पर जब उनका मन करेगा आने का। कई बार हमें बहुत इंतजार करना पड़ता है, यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे भी नहीं पता कि मेरा स्पॉन्सर कब आएगा। चलो वहां चलकर बैठते हैं। वो सभी हाउसमेट्स ही हैं। वो अलग अलग देशों से हैं, मगर हम दोनों एक ही देश से हैं, इंडिया। एक बार एयरपोर्ट से बाहर गई ना तो तुम सऊदी में इन कपड़ों में नहीं घूम सकती। मुस्लिम नहीं भी हो तो भी सर ढकना पड़ेगा। यही इस देश का कानून है, इसे अपने पास रख लो और अपना तिलक भी मिटा दो।
आप इतनी जल्दबाजी मत करो, जरा ध्यान से देखो। पुलिस को यह डेड बॉडी रियाद से दम्मम जाने वाली सड़क पर मिली थी, ऐसा पुलिस का कहना है। इसके पास इसका पासपोर्ट या कोई आईडी कार्ड नहीं था, लेकिन अगर हमें उसका पता मिल जाए तो बॉडी को उसके परिवार के पास भेज सकते हैं। मुझे लगता है शायद 3 महीने हो गए हैं। हाँ। उसके बाएं हाथ पर एक टैटू है जिसका हिंदी में मतलब होता है राम। इससे पता चलता है कि वो एक भारतीय है। बंगाली हो, यूपी का हो, बिहारी हो, कहीं का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी मौत के बाद अननोन ही रहते हैं। जब मैंने उसकी फोटो देखी तो मुझे लगा कि मैं उसको जानता हूँ, लेकिन जिस लड़के को मैं जानता था उसके नाक के नीचे एक दिल था, लेकिन इसकी नाक पर नहीं। क्या आप उस दिल के बारे में श्योर हैं? आपने उसे ढंग से चेक किया था? जब इसके नाक के नीचे तिल ही नहीं है तो मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं? रजाक भाई, आपके पास में ही एक शॉप है, आप भी कहां इन मामलों में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर कोई इस डेड बॉडी पे क्लेम नहीं करेगा तो हॉस्पिटल उसे दफना देगा। सही कहा, लेकिन इसकी कोई फैमिली तो होगी जो इसके द्वारा भेजे जाने वाले पैसों का इंतजार कर रही होगी। अगर इसके बारे में कोई न्यूज नहीं मिली तो परिवार वाले सोचेंगे कि कहीं आराम से रह रहा होगा और हमें भूल गया होगा। मैं नहीं चाहता कि मरे हुए इंसान की आत्मा को कोई कोसे। रमेश, अरे भाई जल्दी आओ, तुम्हारी वजह से नौकरी खतरे में नहीं डाल सकता। कंपनी मुझे 2 बार फोन कर चुकी है, ये दूसरा लोड पहुंचाने का टाइम है। तो बताओ, किसी ने बॉडी को पहचाना? बस उसकी नाक पर तिल नहीं था। मतलब? एक आदमी उसकी शिनाख्त करने आया था, लेकिन तिल को लेकर कंफ्यूज था। रजक, रजक, रुको, रजक। आपने अचानक कैसे मुझे बुलाया? लगता है आप उस बॉडी को पहचान गए हैं। क्या आप जानते हैं किसकी बॉडी है? नहीं, मुझे परवाह नहीं कि वो किसकी बॉडी है। यहाँ तक लाने में मेरे 150 दिनार खर्च हुए, आपको मुझे वो पैसे देने ही पड़ेंगे। 150 दिनार? टैक्सी मेरी नहीं है रजाक। मेरे पास फोटो है, उस मरने वाले की फोटो। अगर कोई उसे पहचानेगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा रजाक। चलता हूँ मैं। क्यों भाई, अपना नुकसान कराकर खुशी मिल गई? तुम चाहे जो भी समझ लो, मुझे पैसों की चिंता नहीं। ओ, अच्छा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखो रजाक, हम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं। तुम अपनी फैमिली का खर्चा उठाने के बजाय दूसरों पर पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचकर क्या खुशी मिलती है। कैसे कैसे लोग हैं। ओह, तो ये बात है, तुमसे बहस करना अपना सिर फोड़ने जैसा है। अरे रे, आज मेरी माँ केरल से लौट रही है, मैं तो भूल ही गया था। हेलो, कहाँ हैं आप? सासू जी सुबह से आपका इंतजार कर रही हैं। कम से कम आज तो जल्दी आ जाइए। कब तक आएंगे आप बताइए ना, आज भी बिल्कुल आखिरी वक्त में ही आने का मन है क्या आपका? मैं बस रास्ते में ही हूँ सरीना, तुम माँ को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए बोलो, सलीम वहाँ पर पहुँच ही रहा होगा। आप जल्दी आइए। ला मुझे दे रजाक, वो हमारे दूर के रिश्तेदार है ना, उन्हें पवित्र किताब चाहिए थी, मैं तो खरीदना भूल गई, लेकिन तू आते समय खरीद कर ले आना, और साथ में ताजे खजूर भी, सऊदी में बहुत अच्छे मिलते हैं, जमीला ने मुझे बताया था। ठीक है माँ, मैं ले आऊँगा। हाँ, मेरी बात मान और फटाफट अपने घर आ जा, कोई बहानेबाजी नहीं, कम से कम मैं तेरे साथ मरने से पहले कुछ वक्त तो बिता लूँ ना बेटा। मैं रास्ते में ही हूँ माँ, बस आ रहा हूँ। वर्गीस, फ्राइडे मार्केट से होते हुए चलना। हेलो, कहाँ पर, कौन सी साइट पर? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। वर्गीस, फ्राइडे मार्केट से नहीं जाना है, अब सीधे सना के पास जाना है। ऐसा क्यों? वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर एक हादसा हो गया है, एक आदमी बहुत सीरियस है, पहले वहाँ पर चलते हैं, बाद में देखते हैं क्या। लेकिन हमारे पास समय, हमारे पास बहुत समय है। क्या हुआ? सब उल्टा पुल्टा हो गया रजाक भाई, हम तो आजकल लोगों की मदद भी नहीं कर सकते।
ये कैसे हुआ? अरे ये सीढ़ी से गिर गया। तुम लोग खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। इसके पास ना पासपोर्ट है ना वर्क परमिट, हम तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप कुछ करो रजाक, हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में आपकी अच्छी पहचान है। बिल्कुल नहीं रजाक, तुम इस मामले में मत पड़ो, हमें जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है। चलो चलते हैं। ये बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के यहाँ कैसे पहुँचा? हमने तो बस इसकी मदद की है रजाक। जब हमारे पास पर्याप्त वर्कर नहीं होते ना तो हम लोग बाहर से वर्कर बुलाते हैं। इसके पास ना तो पासपोर्ट था ना वर्क परमिट, फिर भी हमने इसकी इसलिए मदद की ताकि कुछ कमा सके। मैंने लोगों से कहा मुझे ऊपर चढ़ने में चक्कर आते हैं, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। इसका नाम क्या है? चांद बादशाह। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। अगर इसकी देखभाल करेंगे तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? बातें बाद में करेंगे, पहले इसकी हेल्प करो। पकड़ो पकड़ो या अल्लाह। आप कुछ दिन और हमारे साथ ही क्यों नहीं रुकते? क्योंकि मुझे वहाँ पर बकरियों की देखभाल भी करनी है। मैंने यहाँ आते वक्त अपना काम जमीला को सौंप दिया था, वो कब तक संभालेगी भला? पापा कभी टाइम पर नहीं आते, वो हमेशा देर करते हैं। जब देखो तब उन्हें अपने परिवार से ज्यादा दूसरे लोगों की फिक्र लगी रहती है। उनके बाप भी ऐसे थे, हमेशा दूसरों का काम पहले करते थे। लेकिन ये हमारा मुल्क नहीं है, हम सब कुछ नहीं कर सकते यहाँ। आपको हज ले जाने के अपने वादे को पूरा करने में उन्हें 10 साल लग गए, कोई काम वक्त पर नहीं होता। शुक्र है अल्लाह का वो मुझे यहाँ ले आया, मुझे तो बहुत खुशी है। प्लीज इस बॉक्स को बांध दीजिए ना आप, मुझसे नहीं हो रहा। फ्लाइट 7 बजे की है क्या? हाँ। अगर मैं आंटी को एयरपोर्ट छोड़ दूँ तो कोई दिक्कत है? लगता नहीं है कि रजाक टाइम पे आएगा, हज यात्रा के लिए लोगों की लंबी लाइन होगी। रजाक को मैं सीधे एयरपोर्ट ही बुला लेता हूँ। बकवास बंद कर समीर, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक रजाक घर वापस नहीं आता। कान खोल के सुन ले, फ्लाइट छूट गई ना तो भी नहीं। अब मैं जा सकता हूँ? हाँ ठीक है। क्या तुमने सारी चीजें ले ली? तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम्हारे आने तक वो कहीं नहीं जाने वाली। हाँ इसको भी रख लो। इनका सारा पैसा तो दूसरों की मदद करने में खर्च हो जाता है अम्मी जान, इनको पैसे बचाने का तो कोई ख्याल ही नहीं है। सालों से खुद का घर बनाने का प्लान ही कर रहे हैं। पापा ने कहा है अगली बारिश आने से पहले वो घर जरूर बना लेंगे। हाँ, तू तो चुप ही रह, 8 बार बारिश आकर चली गई, क्या उन्होंने अब तक कुछ किया? तुम्हारा घर बन जाएगा, हमेशा इस तरह उसकी शिकायत क्यों करती हो? हाँ, माँ जाने के लिए तैयार बैठी है और तुम इस वक्त भी उनसे मेरी शिकायत कर रही हो? कोई तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहा बेटा, तुमसे प्यार करती है इसीलिए कहा। हाँ जरूर, लेकिन हमारा और इसका प्यार फिलहाल तो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं जल्दी से घर बनाऊं। अगर मैं उस काम को तेजी से करने की कोशिश करता हूं, तो इसे लगेगा कि मैं प्यार करता हूं, है ना सरीना? आप पहले ही लेट आए हो, अब निकलना चाहिए, हम बाद में प्यार का हिसाब करेंगे। आइए अम्मी जान। हाँ जाते समय दामोदरन से मिलना मत भूलना, बीपी शुगर चेक करवा लेना। चलो बेटा, जाने से पहले एक बार गले लग जा, पता नहीं फिर तुझे कब देख पाऊंगी मैं। अब माँ अभी रोना बंद करो, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा, अभी जाने के लिए देर हो रही है। अब चलो चलो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर इतनी जल्दी आ गए, क्या हुआ बेटा? मैं आज एम्बेसी जाने वाला हूँ, आपका काम हो जाएगा। उस अरब स्पॉन्सर ने उसे धोखा दिया, वो किसी को धोखा नहीं लेकिन देता। लेकिन कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम जानते ही हैं। सालों तक काम करने के बाद हालत नहीं सुधरी तो हेल्प करने के लिए बेटे को यहाँ बुला लिया, लेकिन देखो अब क्या हो गया, मेरा बेटा बेवजह जेल की सलाखों के पीछे। एम्बेसी के कुछ लोग हमारी मदद जरूर करेंगे, रशीद को जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। बेटा तुमने हमारी बहुत हेल्प की, मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, मेरे पास बस इतना ही है। अगर मैं इन सब कामों के पैसे लेता तो अपना घर बनवा चुका होता। ये रख लीजिए आप, इनको पीने के लिए कोई ड्रिंक दो। नहीं रजाक, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। स्टॉक खत्म होने वाला है,
हमारा पिछला पेमेंट भी अभी पेंडिंग ही है। हम चुका देंगे, पहले मेरा 100 दिनार का रिचार्ज कर दो। सुनो, देखो तुम्हें अपना कारोबार इस तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पता है ना दत्ता की दुकान का क्या हुआ? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दुकान भी बंद हो जाए, बाद में मुझे दोष मत देना। दूसरों पे खर्च करने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे ना। सब कुछ सही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। 100 दिनार का 2 कूपन दो। कोई फायदा नहीं है, वैसे भी शाम तक तुम इसे खर्च ही कर दोगे, क्योंकि बाकी लोग तुम्हारी फोन से कॉल करेंगे। पता नहीं क्या भूत सवार है तुम्हें। ये कैसा है? ये क्या है अजीत, ये वो न्यूज नहीं है मैंने जो आपको बताई थी। ये तो किसी जासूसी उपन्यास की कहानी की तरह लग रहा है। अगर हम न्यूज को थोड़ा दिलचस्प नहीं बनाएंगे तो कोई भी इसे नहीं पढ़ेगा रजाक। लोगों को सच्ची घटनाओं में दिलचस्पी नहीं होती। मैं जानता हूँ, जो कहानी या उपन्यास लिखकर थक जाते हैं वही लोग जर्नलिस्ट बन जाते हैं। आप लोग अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से इन गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों करते हो? अब सुरेंद्र को ही ले लो, जो अपने स्पॉन्सर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। आपने लिखा था कि स्पॉन्सर को संदेह था कि सुरेंद्र का उसकी बीवी के साथ संबंध था, जिसकी वजह से उनके बीच झगड़ा हुआ। कहाँ की बात थी और कहाँ तक पहुँच गई? कौन सी बड़ी बात है? हाँ, आपके लिए तो कुछ नहीं है। सुरेंद्र जेल से बाहर आ भी जाएगा तो उसकी बीवी उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। Hey, that's interesting. लेकिन इस कहानी की कीमत तभी है जब सुरेंद्र जेल से छूटेगा। अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी कहानी भी तुम बनाकर न्यूज में छाप ही दोगे। उससे पहले मुझे यहाँ से चलना होगा। अरे रुको, एक और न्यूज है, मैं पब्लिश करने से पहले तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये बुरादा में एक हाउसमेट के बारे में है। हमें बताया गया है कि वो 2 दिन पहले वहां से सोना और पैसे लेकर भाग गई थी। देखो, क्या तुम इसे पहचानते हो? अश्वथी, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? नहीं। ये बहुत खूबसूरत है और भारत के केरल राज्य की रहने वाली है। देखकर नहीं लगता कि ये चोरी भी कर सकती है। मौसम और इंसान का स्वभाव एक जैसा ही होता है, ये कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता। सच कह रहे हो। उसके पासपोर्ट और उसकी प्रोफाइल के अलावा कहानी बनाने की वजह नहीं मिली। उसके बारे में और जानकारी जुटानी है। प्लीज तुम इसे आजमा सकते हो? कोशिश करूंगा। वैसे भी लड़की के बारे में कोई झूठी कहानी बनाने की मत सोचना। वैसे तो हमें लोगों की भावना से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनजाने में उनकी मुश्किल बढ़ जाती है। हम बुरादा में रुके हुए। ये रियाद से 400 किलोमीटर दूर है। हमें वहाँ पहुँचने में 3.5 घंटे लगेंगे। तब तक आप नजारों का लुत्फ उठाइए। क्योंकि एक बार आप किसी भी अरब के घर में पहुँच जाते हैं तो आप 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको भूख लगी होगी है ना? पूरे दिन एयरपोर्ट पे इंतजार जो किया है। कोई बात नहीं। तब से बक बक किया जा रहा है। गाड़ी चला ना। गाड़ी चलाते समय सामने देखते हैं। लेफ्ट साइड ले। इसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, तभी लेफ्ट जाने के लिए बोल रहा है। इसने मुझे पिछले 10 सालों से अपनी छड़ी की नोक पर रखा हुआ है और मुझे तकलीफ देता रहता है। ये मुझे अपनी छड़ी चुभो करके मुझे दिशा बताता है। बाईं ओर जाना है तो बाईं ओर चुभोएगा, दाईं ओर जाना है तो दाईं ओर चुभोएगा। सीधे जाने के लिए सर पर मारता है, जबकि मैं हर रास्ते को जानता हूँ। लेकिन ये बूढ़ा हमेशा अपनी होशियारी ही दिखाता रहता है। सीधे सीधे। अरे मुझे पता है, आप बेफिक्र होकर बैठिए। तुम उससे बात क्यों कर रहे हो? मैं उसे आपकी फैमिली के बारे में नहीं बता रहा था। इस शख्स का नाम खालिद अहमद बिन सैद मोहम्मद है। इसका बेटा ही हमारा स्पॉन्सर है, नवाब अहमद बिन खालिद मोहम्मद। फिर इनकी पत्नी, स्पॉन्सर्स की पत्नी और सबके बच्चे। और बताऊं, उन सब की आदतें बहुत ही अच्छी हैं। जब वहां आप पहुंचेंगी तो आपको सब पता चल जाएगा। अब बस कर, ये वहां जाकर खुद सीख जाएगी सब, तुझे सिखाने की जरूरत नहीं। इनके कहने का मतलब है जब आप वहां पहुंचेंगी तो आप सब कुछ सीख जाएंगी। जल्दी चला पागल, जल्दी चल चल।
मेरी एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश है मैडम, मुझे इस बुड्ढे को मारने का मन करता है, चाहे मेरी पूरी जिंदगी सऊदी की जेल में गुजरे। यही घर है उनका। आइए बाहर आइए। आ जाओ आ जाओ। यही हमारे स्पॉन्सर है सर, ये है नई हाउसमेड। अपनी आईडी दो मुझे। योर पासपोर्ट, पासपोर्ट। इन्हें अपना पासपोर्ट दे दो। हाँ। अंदर आ जाओ। घर में सीधे अंदर जाना और फिर बाएं मुड़ जाना। जाइए। सलाम वालेकुम, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? वालेकुम अस्सलाम, बहुत उम्दा चल रहा है, खुदा की मेहरबानी है। शर्मा क्यों रही हो, अंदर आ जाओ। अरे आओ ना। समीरा, ये है तुम्हारी नई हाउसमेड। नाम क्या है तुम्हारा? अरे नाम क्या है तुम्हारा? योर नेम, नेम अश्वथी। इसका नाम असुथी है। फातिमा, फातिमा, हमारे पास पहले से ही एक रसोईया है, बाकी सारा काम तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें बच्चों की देखभाल करनी होगी। फातिमा, ये नई हाउसमेड भारत से आई है, हमारी नई हाउसमेड है, इसे सारा काम अच्छे से सिखाओ। इसका कमरा दिखा दो और इसे कपड़े बदलने के लिए कहो। आ जाओ, ये आपका कमरा है। साड़ी ये आप पर अच्छी लगेगी, मैंने हिंदी फिल्मों में ये देखा है। ड्रेस बदल लो, यहाँ साड़ी नहीं पहन सकती। चेन साड़ी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया चलिया चलिया। क्या बात है, आप तो इन कपड़ों में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अब तो आप बिल्कुल नमाजी लग रही हैं। अश्वथी बहुत खूबसूरत है, हर ड्रेस में अच्छी लगती है। फातिमा ने जो कहा आप समझ गई क्या? सच बताऊं तो कुछ भी नहीं समझी। फिक्र मत करिए, सब समझ जाएंगी, पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था। अश्वथी, स्पॉन्सर की वाइफ आपको बुला रही, आपका पहला दिन है संभाल के। सपना की रानी कब आएगी तू, चलिया। अश्वथी।
अश्वथी, वहाँ क्या कर रही है? इधर आ। रो मत, ठीक है, रो मत। रोते नहीं हाँ, अच्छे बच्चे नहीं रोते। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जल्दी अंदर आ। बच्चे का ख्याल रखो, यहाँ गंदगी फैली हुई है। पहले इसे साफ करो, फिर फर्श को साफ करो। Take him and wash, then clean the floor. Understand? दवाई लगा देती हूँ, कल तक सब ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है क्या? पेन? अब थोड़ा ठीक है। परिवार में कौन है? हाउस, योर फैमिली। माय हाउस केरला। हाउस, ओह, फैमिली के बारे में पूछ रही हो? फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। और तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, शादी? हाँ? नो, शादी? हाँ? अच्छा बताओ, ये कहाँ से सीखा? योर लैंग्वेज शादी, माय लैंग्वेज मर्निका। योर लैंग्वेज गुड, उस्मान स्पीक एंड आई स्टडी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। आई विल टीच यू हिंदी। मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगी, अपने घर। तुमने केरल के बारे में सुना है? भगवान का देश है वो, यहाँ से बहुत अलग है। हर तरफ हरियाली है, एकदम हरियाली हर तरफ। बहुत पेड़ और जंगल है। ट्रीज, ट्रीज। 6 months रेन। तुम कभी बारिश में भीगी नहीं ना? रेन, रेन। मेरा घर समंदर के किनारे था। पापा मछली पालते थे, माँ और बहन घर पे ही रहती थी। कभी कभी पापा कई दिनों बाहर लौटते थे, हम सब उनका इंतजार करते थे। अच्छा, आप दोनों बिना समझे ही बातें कर रही हो। कोई और आपकी बातें सुने तो पागल हो जाए। क्या आपको समझ में आ रहा है ये क्या कह रही हैं? एक्चुअली ये इंडोनेशिया से है। जब इसके गांव में सुनामी आई तो माँ बाप और सारे रिश्तेदार सब एक साथ गुजर गए। ये बच गई क्योंकि ये उस वक्त वहाँ पर नहीं थी। जब इसके रिश्तेदार इसकी देखभाल नहीं कर सके तो उन्होंने इसे यहाँ भेज दिया। वो चाहते थे कि कोई उनके लिए कमाए, इसीलिए भेज दिया। ये फोन अपने पास रख लो, इसका इस्तेमाल रात में ही करना। अगर किसी ने आपको दिन में से चलाते हुए देख लिया तो आपको बहुत चोट पहुँचेगी। आप अपने घर पर बोलना कि वो आपको कॉल करे। अगर आपने यहाँ से कॉल किया तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। चलता हूँ। कॉल लगाओ। उस्मान, उस्मान, अरे कहाँ हो तुम? परेशान करना शुरू कर दिया। उस्मान जी,
मेरा जूता पॉलिश कर। आप यहाँ पर बैठ जाइए। या अल्लाह, ये ठीक से देख नहीं पाते हैं, लेकिन औरतों को ठीक से देख लेते हैं, फिर चाहे वो 100 मील की दूरी पर ही क्यों ना खड़ी हो। कभी कभी उन्हें परेशान करते हैं, इन्हें नजरअंदाज करना पड़ेगा वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। पहले इन्होंने फातिमा को भी बहुत परेशान किया था। अरे क्या बोल रहा है तू? मैं उसे फर्श साफ करने के लिए कह रहा था। क्या हो तुम्हें? मेरे साथ हिंदी ठीक से बोलनी होगी, ये टूटी फूटी भाषा बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? अश्वथी, वो आपको बुला रही? उस्मान, मैं जो बोलती हूँ उसे समझाओ। ठीक है मैडम। उसे बोलो सारे कपड़े ढंग से धो कर रखे और सुखाए भी। वो कह रहे हैं कि सारे कपड़े ठीक से धोना। जब मेरा बेटा उठ जाए तो उसे खाना खिलाए। जब वो मोटा बच्चा उठ जाए तो उसके मुंह में खाना ठीक से ठूस देना। इसको बोलो खाना बना कर रखे, अभी हम फार्म हाउस जा रहे हैं, लौट कर आएंगे तो खाना खाएंगे। खाना आपको आज रात का खाना बनाना पड़ेगा। अभी ये फार्म हाउस जा रही है, वहीं पर पार्टी करेंगी, और जब ये लौटेंगी तो इन भुक्कड़ों को खाना बना हुआ चाहिए। मान, चलो। हाँ हाँ, इसे पकड़ो, मैंने छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ, गाओ गाओ। वो सब चले गए, ऑल गॉन। सिंग, यू सिंग। अरे मैं नहीं गा सकती, मुझे नहीं आता। यू सिंग, सिंग ना, सिंग प्लीज। या मैरी मिनारिक सुवारा नारी सुवारा बरसामा डायुंग 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 संपा लाला लाला। उस्मान मेरे दोस्त का साला है, वो कल वापस सऊदी जा रहा है। उसने कहा कि वो मुझे वीजा दिलवा देगा। शुरू में कोई छोटी सी नौकरी मिल जाएगी, फिर मुझे वहां से लाइसेंस लेना होगा। अगर मुझे ट्रक ड्राइवर की नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी कमाई हो जाएगी। उसके बाद 2-3 सालों के बाद तुम्हारी सारी परेशानी खत्म। क्या बात है, ऐसे चुप क्यों हो? आपने अपने पिताजी के इलाज और भाई बहनों की पढ़ाई पर कितना ज्यादा खर्चा कर दिया है, और आप पर बहुत ज्यादा बोझ है, और ऊपर से आप मेरे पिताजी का कर्ज चुका रहे हैं, मेरे परिवार की देखभाल कर रहे हैं, है ना? अरे तो क्या हो गया, हम एक ही परिवार तो हैं। तुम्हारी परेशानी भी तो मेरी परेशानी हुई, मिलके कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। देखो अब मैं एक अच्छा पति बन गया हूँ, क्या ये काफी नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे काम करने से रोकते क्यों रहते हैं? आप जानते हैं ना कि मुझे भी नौकरी मिल सकती है। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम्हें काम की जरूरत नहीं है। इसके बजाय मैं जो कमा के लाऊं उसे तुम आराम से खर्च करो।
मुझे समझ में नहीं आता, आखिर हम शादी करते ही क्यों हैं? हमें अपनी पुरानी मानसिकता को बदलना होगा और बड़ा सोचकर चलना होगा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये मत भूलो कि तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उस्मान, गांव में तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, ये भूल गए? लेकिन वो तो गांव में है, मुझे यहाँ भी तो कोई चाहिए ना। कभी कभी हमें कुछ बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है मैडम, आपको इन सब चीजों से क्या लेना देना है, ठीक है, क्यों है ना? ये लो, तुम्हारे पिछले महीने की सैलरी है, स्पॉन्सर ने मुझे दिए पूरे 600 दिनार है। सिर्फ 600? पर तुमने तो कहा था कि मुझे 800 दिनार कहा था, लेकिन 200 मेरा कमीशन। कभी कभी उसे अपने कमरे में बुलाने के लिए मुझे कैश भी देना पड़ता है, ये उसकी पेमेंट नहीं है, बस खुशी से देता हूँ। मैं ऐसे खर्चों का इंतजाम इसी तरह से ही करता हूँ, और साथ ही मुझे गांव में अपने परिवार की देखभाल करनी होती, उन्हें पैसे भेजने होते। आपके ये पैसे भी मैं आपके परिवार में भेज दूंगा। माँ बाहर आओ, शायद हमारे लिए कोई चिट्ठी आई है। क्या अश्वथी की चिट्ठी है? नहीं, ये चिटफंड कंपनी से है, हमें तुरंत ही पेमेंट करनी होगी। हे भगवान, अश्वथी की कोई चिट्ठी नहीं आई। माँ ये दूसरे देश का नंबर है। हेलो, अश्वथी के घर से बोल रही हो? हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सऊदी से बोल रहा हूँ, मुझे अश्वथी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। सऊदी से है? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मेरी बेटी कहाँ है, वो कॉल क्यों नहीं करती? आप अश्वथी की माँ हैं? हाँ। अश्वथी ने आपको आखिरी बार कब कॉल किया था? ओह, वो ठीक तो है ना, मुझसे बात किए हुए 5 महीने हो चुके हैं। वो यहाँ मुझे और अपने ससुराल में सबको हर हफ्ते फोन करती थी। उसने हमें 2 महीने से पैसे तक नहीं भेजे, लेकिन अब उसका फोन भी नहीं आता और ना ही अब वो हमें कोई चिट्ठी लिखती है। हम उसे कॉल भी नहीं कर सकते। मेरी बेटी को क्या हुआ है? हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, आप बस हमें हमारी बेटी लौटा दीजिए। हेलो, हाँ रजाक बोलो, क्या तुमने फोन किया था? उन लोगों का रिएक्शन क्या था? ऐसा कहा? क्या तुमने यहाँ पब्लिश न्यूज के बारे में उन्हें बताया था? मैं उन्हें उनकी बेटी की न्यूज के बारे में कैसे बता सकता था जिनकी 6 महीने से बात नहीं हुई। कल सुबह मैं बुरादाह जा रहा हूँ, उसके स्पॉन्सर के पास जाकर पता लगाने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ, जो भी पता चलेगा तुम्हें जरूर बताऊंगा। संडे के कॉलम में कुछ न कुछ लिखना चाहते हो, मुझे पता है। अच्छा रजाक, मुझे वहाँ की कोई और न्यूज भी मिल सकती है क्या प्लीज? मुझे ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। मैंने तुम्हें चांद बादशाह के बारे में बताया था, उसके बारे में लिखो। वो भी भला कोई न्यूज है? पत्रकारों को भी चांद बादशाह में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। हम उसे कैंप में नहीं रख सकते। जब मैंने उसके घर पे फोन किया तो उसकी पत्नी नहीं चाहती कि वो वहाँ वापस आए। वो क्यों? खुद ही देखो, वो बहुत बड़ा पेटू है। वो अकेला 4 लोगों के बराबर खाना खा जाता है, हम उससे परेशान हो चुके हैं। यहाँ का खाना स्वादिष्ट नहीं है, घास फूस खा के मैं पक गया हूँ। तुम लोग मुझे मेरी हालत पर छोड़कर भाग गए थे ना? 3 दिन से मैं चिकन बिरयानी मांग रहा हूँ, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है। मैं साफ कह देता हूँ, यहाँ मैं और दिन नहीं रह सकता अगर मेरे मन का खाना नहीं मिला तो। और मुझे पैसे भी चाहिए। सुनो, मुझे सिगरेट के पैसे अलग से देना, ठीक है? क्या तुम जा रहे हो? ये प्लास्टर हटने का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक हम तुम्हारे घर जाने का बंदोबस्त कर देंगे। मुझे घर भेजने के बजाय मेरी बिरयानी का इंतजाम करो, तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। शुक्रवार को कैंप का निरीक्षण होगा, अगर उन लोगों ने इस आदमी को देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? रजाक भाई, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मैंने तुम लोगों को बिना वर्क परमिट के किसी आदमी को नौकरी देने के लिए बोला था। वही तो गलती हो गई।
अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो हम उसे सड़ने के लिए कहीं फेंक देंगे। ए, ये रज्जाक का काम नहीं है, तुम्हें जो करना करो। चलो रज्जाक। अरे कुछ करो ना भाई। अभी उसे 2 दिन और अपने पास रख लो, तब तक मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। उस नौकरानी ने परिवार की बेइज्जती की है। जाओ यहाँ से, जाओ। साहब, अगर भारतीयों से कोई गलती हुई है तो हम पता लगाएंगे। मैं अभी एम्बेसी से ही आ रहा हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम लोग भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं होते हो। अगर ऐसे ही जिद करते रहे तो पुलिस वालों को बुला के तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा मैं। गेट लॉस्ट। क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता चला? आज पहली बार किसी अरबी से इतनी बातें सुनकर आ रहा हूँ। ये सब उसका किया धरा है, वो तो तुम्हें सुनाएगा ही। आज उसके गुस्से को देखकर ऐसा लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। हम पता करने की कोशिश करें तो यकीनन हमें कुछ न कुछ सुराग जरूर मिल जाएगा। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, इससे अजीत को एक न्यूज जरूर मिल जाएगी और बदले में खर्चा तुम्हारा होगा, ये बात याद रखना। मैं सिर्फ अजीत की न्यूज के लिए इतनी तफ्तीश नहीं कर रहा हूँ। क्या पता वो औरत निर्दोष हो, उसके लापता होने का कोई ना कोई कारण होगा। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, ये तुझे अब पता चलेगा। तूने हमारे परिवार की मान मर्यादा को भंग कर दिया। मेरी इज्जत का क्या होगा? इज्जत के लिए ही मैं पुलिस से कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे सबक सिखा के रहूँगा। मुस्लिम होते हुए भी तूने पाप किया है, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो भी यही चाहेगा कि तू इसी तरह मारी जाए। के साथ खेला। मारो और मारो इसे, ऐसी लायक है। मत मारो। कहाँ है वो घिनौना आदमी? मैं तुझे सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरे यहाँ 10 सालों से काम कर रहा है। सही कहा। अगर तू यहाँ थोड़ी देर और रुका ना तो मैं तुझे गिरफ्तार करवा दूंगा। चल निकल जा यहाँ से। उस लड़की को एक बूंद पानी मत देना। सब अभी सो रहे हैं, तुम खाना खा लो। खाना नहीं खाया तो बीमार पड़ जाओगी। लो चली जाओ, किसी ने देख लिया तो तुम्हें भी मारेंगे। तुम लोगों को मैंने पहले ही समझाया था ना, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। हेलो उस्मान। हेलो मैडम, मैंने जो गलती की उसकी सजा मुझे मिल गई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फातिमा को और तकलीफ पहुंचे। मुझे पता है कि वो लोग उसे मार डालेंगे। अगर वो वहां से निकल आती है तो मैं उसके लिए कहीं और नौकरी की व्यवस्था कर दूंगा। मैं चाहता हूं तुम उसे वहां से निकालने में मदद करो। हा? क्या कहा? अगर उन्हें पता चला तो? अभी निकलती तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ अभी घर के पीछे ही हूँ, प्लीज मैडम उसकी मदद करो। हा? आपके कमरे से एक बाहर निकलने का रास्ता है जो कार्डबोर्ड से ढका हुआ है। अगर वहाँ से कोई आता है तो सीधे घर के पीछे ही निकलता है। मैं वहीं इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज मेरी बात फातिमा से कराओ, मैं उसे सब समझा दूंगा। हेलो उस्मान। बताओ वो यहाँ से कैसे निकल गई, बिना तेरी मर्जी के नहीं जा सकती। बताओ। बोल, सच सच बोल, बता सच क्या है। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर उस्मान ने कल रात तुझे फोन क्यों किया?
आज के बाद तू किसी से नहीं बात कर पाएगी। तुम सब ऐसे ही होते हो, कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। मेरे परिवार की बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग। तुम तो मेरी आदतें जानती ही हो। महीने में एक बार मार्केट जाती हूँ, पर इतनी शॉपिंग करती हूँ कि जगह कम पड़ती है। तो अब की बार तुम भी मेरे साथ चलना। हाँ ठीक है, बाय। जा और खाना खा ले, चल उठ। वैसे तो तुझे भूखे ही रखना चाहिए। ये क्या है? तुझे कपड़े भी प्रेस करने नहीं आते? कोई काम ठीक से नहीं करती? हाँ, तुझे ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला, मैं ही तुझे सिखाती हूँ। सऊदी अरब में हाउसमेट का काम बहुत होता है। वहाँ के लोगों के पास हर काम के लिए मशीनें होती हैं। काम करने के नाम पे हमें उन्हें बस ऑन ऑफ करना होता है। उस्मान ने तो मुझे इस काम के बारे में पहले ही बताया था, और काम भी उसी घर में करना है जहां उस्मान ड्राइवर है। उसने बोला है कि इस काम के लिए 800 दिनार मिलेंगे, यहां के पैसों के हिसाब से लगभग 10,000 होंगे। अगर आप लोग हाँ कहें तो मैं वीजा बनवा देता हूं। बिल्कुल नहीं सुधीर, मैं उसे किसी अनजान जगह पर नौकरानी के काम के लिए बिल्कुल नहीं भेज सकता। मेरा बेटा मुझे माफ नहीं करेगा। कुछ नहीं होगा पिताजी, मैं चली जाऊंगी। मान मर्यादा घर को रोटी तो नहीं खिला सकती ना। घर पर खाली बैठ के रोते रहने से अच्छा है कि कुछ काम ही कर लूं। Oh!
दवा गुड गुड स्लीप स्लीप गुड नाइट गुड नाइट। तुझे बाहर भेजने को बिल्कुल मन गवारा नहीं कर रहा। घर की सफाई कौन करेगा? तुझे सोने का पैसा नहीं देते, बाहर जा रहे हैं हम। उस्मान, क्या हुआ तुम्हें? मेरा जीना मुश्किल हो गया। अगर यहाँ रही तो मैं मर जाऊंगी। हर कोई मुझे तकलीफ देता। 5 महीने हो गए, मैंने अपने घर भी कुछ नहीं भेजा। मैं फोन भी नहीं कर सकती उन लोगों को। मुझे अपने घर जाना है उस्मान। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे घर भेज दो ना उस्मान। घर में अभी कौन कौन है? कोई नहीं, सब फार्म हाउस पर गए। फिर तो वो रात में ही लौटेंगे। तुम एक काम करो, जैसे फातिमा वहां से निकली थी ना, तुम भी वहां से निकलो। अजान के बाद वहां से भाग जाओ। बाहर निकलने के बाद दाएं तरफ थोड़ा सा और आगे चलना, वहां तुम्हें एक दुकान मिलेगी। वहां मेरा एक दोस्त है अबू का, मैं उसे समझा दूंगा। फिर उसके बाद वो तुम्हें मेरे पास छोड़ देगा। मैं अभी रियाद में हूँ, ध्यान रखना। तुम्हें गेट से होकर गुजरना पड़ेगा, वहां पर गार्ड खड़ा रहता है हमेशा। ध्यान रखना तुम्हें देख ना पाए। मुझे लगता है कि आज तुम्हारे लिए वहां से भागने का अच्छा मौका है। उस्मान, इतना मत सोचो, एक बार रियाद पहुंच जाओगी मैं संभाल लूंगा। Thank you.
हाउसमेट कहाँ गई? तुम लोग यहाँ कैसे ड्यूटी कर रहे हो? सर, लेकिन गेट से तो कोई नहीं गया। सब धोखेबाज हैं, सब धोखेबाज हैं। जल्दी से मेरी कार लेके आओ। जी सर। चलो।
खोलो बाबूजी, बाबूजी बाबूजी और रजाक भाई सब कैसा चल रहा है? क्या बताऊं जॉन भाई, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये लो। एक पैकेट से क्या होगा भला? ये चांद बादशाह है, जब तक इनका प्लास्टर बंधा है ये यहीं पर रहेंगे। अपने गांव से निकलने के लिए इन्हें पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और फिर इन्हें जेल जाना पड़ेगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अभी आपने रास्ते में मटन चाप और पराठा खाया तो था? अरे वो तो पच गया, खाना खाने के बाद अगर एक सिगरेट पी ली तो खाना जल्दी पचता है। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा नहीं है? ये आदमी बुरा नहीं है, इसकी बीवी अपने पास इसे रखना नहीं चाहती, यही प्रॉब्लम है। ये कासरगोड का रहने वाला है, इसकी बीवी नौकरानी का काम करती है और 3 बच्चों को पालती है। पहले से ही 3 बच्चे हैं, ये अगर वहाँ गया तो खाए बिना मर जाएगा। ये इतना ज्यादा खाता है कि बजट ही बिगाड़ देगा। अच्छा, तब तो बहुत अच्छा आदमी है। रजाक प्लीज अपनी समाज सेवा को घर से दूर ही रखो, प्लीज घर मत लाया करो। हमारा घर कौन सा बहुत बड़ा है, अगर कोई अजनबी यहाँ कर रुकेगा तो हम लोग आराम से कैसे रह पाएंगे बताओ। और इसके अलावा बिना डॉक्यूमेंट्स वाले आदमी को रोकना गैर कानूनी है। प्लीज सरीना, थोड़े टाइम के लिए मैनेज करो, मैंने उसकी जिम्मेदारी ली है, उसे 20 सड़क पर थोड़ी छोड़ूंगा। बच्चों के स्कूल से लौटने से पहले थोड़ा चावल बना लेना, नहीं तो उनका पेट नहीं भरेगा। हेलो, हाँ बोलो वर्गीज। हाँ वो उस्मान, हाँ मिल गया क्या, कहाँ पर है? मैं जल्दी आता हूँ। ओके। अरे तुमसे ऐसे बोला था ना। अरे इसे नीचे डाल देता हूँ। सरीना मुझे लेट हो रहा है, एक काम करोगी तुम, उसके लिए एक ऑमलेट बनाकर दे दोगी? अभी वो हमारा मेहमान है। इनसे बोलो कि जो भी बनाए वो मसालेदार बनाए। थोड़ी सी चाय बनाकर मेरे लिए रख देना, क्या है ना मुझे चाय पीने की आदत है। तुम उस्मान हो ना?
हाँ, मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से आज मिले हो, इसीलिए तुमसे मिलने आ गया। आप कौन है और बात क्या है? उस्मान बुरैदा में एक अरब के घर में ड्राइवर का काम करते थे ना? हाँ पहले करता था, लेकिन अब छोड़ दिया है। मैं जानता हूँ, लेकिन अश्वथी के बारे में कुछ पता है तो बताओ। कौन अश्वथी? मैं नहीं जानता। अरे तुमने ही तो अश्वथी को सरब के घर में नौकरी दिलवाई थी ना? ओ वो लड़की, मुझसे गलती हो गई जो मैं उसे वहाँ लेकर गया। मैंने उसकी मदद की ताकि वो अपना और अपने घर का खर्चा उठा पाए, लेकिन देखिए ना उसकी कमाई शुरू करने के बाद उसे क्या क्या करना पड़ रहा है। यानी कि तुम न्यूज़पेपर की हर खबर पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ। मैं अश्वथी के स्पॉन्सर से मिलने गया था, वो तुमको बहुत बुरा भला बोल रहा था। तुमने वहाँ की नौकरी क्यों छोड़ी? आपको इससे क्या लेने देना? क्या अश्वथी के मालिक के घर में हुई चोरी से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है? उस्मान मुझे सच सच बताना। ओ अब मैं समझा, तो आप मुझे यहाँ पर गलत ठहराने के लिए आए हैं। देखो मैं पहले से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। उस्मान प्लीज हमें उस लड़की के बारे में बताओ, मैं उस लड़की की जान बचाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। इन्हीं सब वजहों से मैंने उसे नौकरी दिलवाई, अब मैं उसकी मदद करके अपनी मुश्किल बढ़ाने के मूड में नहीं हूँ। उस्मान मैंने उसे चोरी करने या भागने के लिए नहीं कहा, तो फिर तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? मुझे मामले की तह तक जाना होगा। क्या तुमको लगता है कि यह सच बोल रहा है? नहीं, मुझे तो देखने से ही फ्रॉड लग रहा है। ये उस लड़की के बारे में जरूर जानता होगा। Hup.
उसे पानी दे दो। तुम्हें रियाद जाना है? हाँ, रियाद। क्या तुमको रियाद जाना है? हाँ, रियाद। मेरे साथ आओ। ले 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 चढ़ जाओ इसमें। जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी नीचे आओ, आज हमारे लिए यही रियाद है। डरो मत, जल्दी नीचे आओ। नीचे आओ। अरे नीचे उतरो मोहतरमा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हो। ला 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 ला, इधर आ जाओ। ला 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 ला, आके यहाँ बैठ जाओ। ला 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 ला, जल्दी खोलो इसे। इतनी डरी हुई क्यों? किसी को मार के आई हो क्या? उसे देखो, उसे डर है कहीं हम उसे ना खा जाएं। बेचारी बेकार में घबरा रही है।
खालो खालो खालो। उसे डर है कि कहीं हम उसे खा ना जाए। अभी इसके साथ कुछ किया भी नहीं, फिर भी डर रही है। कुछ करेंगे तो क्या करेगी। का टाइम हो गया है, चलो सब लोग इबादत करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जल्दी करो, छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। पीछा करे, भाग जाओ यहां से, भागो, जहां तक भाग सकती हो भागो, भागो यहां से, अगर नहीं भागी तो मारी जाओगी, भागो यहां से, भाग जाओ, चली जाओ यहां से, भागो, जितनी तेज भाग सकती हो। अस्सलाम वालेकुम। जब हम अजान पढ़ रहे थे तो तू उसे कहाँ लेके गया था? पता कहाँ है वो? काफिर की औलाद, पता कहाँ छुपाया है उसे? पता? पता नामाकुल कहाँ है वो? कहाँ छुपाया उसे? पता? तुझे जान से मार दूंगा। तेरी तो हमारे नमाज का फायदा उठा के उसे भगा के ले गया। पता कहाँ है वो? पता? बोल। बोल नहीं तो जान से मार दूंगा। बोल। ये जाके इसे बांधो, बांधो इसे, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, जान से मार दूंगा। और ये रिटॉप मारो इसे, हाथ पर बांधो, अच्छे से बांधो, बांध के इसे डाल दो, भागने ना पाए। आखिर की औलाद तू, खुद के रिटॉप। चलो ढूंढते उसे। Thank you.
बशीर, बशीर कहाँ है? ओ बशीर, कहाँ चला गया ये? क्या हुआ तुझे? लगता है उन कमीनों ने तुझे मारा है। तूने भागने की कोशिश की थी क्या? यहाँ का रेगिस्तान समंदर के बराबर है, भागना आसान नहीं है। यहाँ पे तो मैं भी करीब 6 सालों से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन फिर भी कभी भागने की नहीं सोचता हूँ। चल उठ जा, जाके बकरियों को कुछ खिला दे, जा वो भूखी है, जा। मैंने भागने की कोशिश नहीं की। फिर भरत भाई मेरे साथ चलो, वो उस लड़की को अब तक मार चुके होंगे। कौन सी लड़की? सब बताऊंगा, बस मेरे साथ आओ, ट्रक लेकर चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। चलो हम इस रेगिस्तान में उसे कहां तलाशेंगे? वो लड़की उन्हें मिल गई होगी। तुम तो उसे जानते भी नहीं हो, भूल जाओ उसे बशीर। बहुत हो गया बशीर, चल वापस चलते हैं, थोड़ी दूर और देख लेते हैं। या अल्लाह, दोपहर से पहले हमें लौटना है। अरे वो जाती है तो जाने दे, तू उसके लिए क्यों परेशान है? मैंने कहा ना चलो। रुको, भरत भाई गाड़ी यहीं रुको।
डरो मत, मैं हूँ। कल मैंने ही तुम्हें उन लोगों से बचाया था, मैं वही हूँ। ये मेरा दोस्त है। कल मैं पूरी रात ऊपर वाले से यही मन्नत मांगता रहा कि तुम्हें कुछ भी ना हो। उसने मेरी सुन ली। वो यहाँ कभी भी आ सकते हैं। उससे पहले तुम्हें भागना होगा, वरना वो जानवर तुम्हें फिर से पकड़ लेंगे। भरत भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम इन्हें सड़क तक छोड़ सकते हो? मेहरबानी करके इन्हें छोड़ दो ना। ये रियाज जाएंगी क्या? रज़ाक भाई, मुझे पहचान लिया ना? हाँ, मुझे आपके बारे में बाद में पता चला। एक मिनट के लिए आप जरा बाहर आएंगे? उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं सब जानता हूँ। मुझे भी लगा था। अश्वथी मुझसे मिलने आई थी एक दिन। ये देखिए, ये अखबार देखिए। एक भारतीय नौकरानी सोना और पैसा लेकर फरार। जब से मैंने पढ़ा है मैं भी हैरान हूँ। इसके लिए मुझे दोषी ठहराया तो मैं भी गया। क्या तुम इस लड़की को नहीं जानते हो? तुम्हें क्या लगता है ये ऐसा कर सकती है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, उस पर चोरी का आरोप है बस। मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना घर से निकल के अब्बू की दुकान तक आने के लिए, और फिर इसने क्या किया? अब्बू दोपहर तक इंतजार करता रहा लेकिन ये नहीं आई। दो दिन हो चुके, पता नहीं दो दिन में ये कहां कहां भटकी होगी। अगर मैं इसका साथ दूंगा तो मैं भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा इस शहर में। तुम्हें जो बोलना था बोल चुके हो। मुझे इसे यहां छोड़ने के लिए कहा गया था, मैं इसे यहां छोड़ रहा हूं। अब तुम जो चाहो करो। मेरी बात सुनो, मैं 10 साल से सऊदी अरब में हूँ। ऊंची आवाज में बात मत करो, अपने पास ही रखो। मेरे सामने अपनी होशियारी मत दिखाओ। पहले इसके साथ जो करना था वो कर लिया, मेरे ऊपर डाल रहे हो। अगर तुम इससे ऊब चुके हो तो किसी और को दे दो इसे। क्या कहा तूने? मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए था। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। कभी कभी तो हम सब बहुत मतलबी हो जाते हैं। उसने मुझसे मदद मांगी थी, मैंने उसे घर से भागने के लिए कहा था। मुझे इंडोनेशियाई लड़की मिली जो मेरे साथ ही घर से निकल आई थी, वो भी हाउसमेट थी। मैं अश्वथी की भी मदद करना चाहता था। फिर अब तुम्हारा मन क्यों बदल गया? दोषी मानते हो? आपसे मिलने के बाद मैं अश्वथी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। वो आपकी कुछ भी नहीं लगती है, फिर भी आप उसकी मदद कर रहे हैं। मैं इतना गैर जिम्मेदार आखिर कैसे हो सकता हूँ? मेरी भी कुछ मजबूरियां थी रज़ाक भाई, मैं भी मुश्किलों से ही गुजर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि आप जैसा कोई अच्छा इंसान सऊदी में है।
मैं चाहता हूँ कि आप उसे ढूंढें और उसकी मदद करें। अश्वथी को तुम्हारे पास लाया था वो ड्राइवर कौन है? मैंने ये बात नहीं पूछी उससे। इसी आदमी ने तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा था ना? तुम किसी और आदमी को जानती हो? बोलो। किस्मत ही खराब है मेरी। नीचे उतरो, तुम्हें यहां से सवारी मिल जाएगी, फिर तुम्हें जहां जाना है वहां चली जाओ, बस मेरा पीछा छोड़ो। मैं अब तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मैंने कहा अंदर बैठ जाओ। आप चले जाइए। क्या कहा? बशीर ने अपनी जान जोखिम में डाल के तुम्हें बचाया। मैं उसे तुम्हारे बारे में क्या कहूंगा कि मैंने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया। अंदर बैठो। समय पर बात मत करो, अंदर बैठ जाओ। ये नीचे छुप जाओ। तुम्हें सवाल जवाब करेंगे। अगर वो पहचान गए तो जेल हो जाएगी। यहां का कानून तुम्हें पता है ना? वो लोग चले गए। दरवाजा बंद कर लो।
तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, बदल लो। अरे तुम्हें यहाँ का कानून तो पता ही है ना, अगर तुम संजान औरत के साथ पकड़े जाते हो तो। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। जाओ इसे घर पे दे के आ जाओ। मैंने उस लड़की को नहीं देखा, लेकिन मुनीर बोल रहा था कि वो बहुत मासूम है। भरत भी एक अच्छा लड़का है। हाँ बस तो थोड़ा सा गुस्सैल है, यहाँ का कानून पता ही है। पता नहीं उन्हें कैसे उनकी खबर लगी, वो दोनों को उठा के ले गए। चल ए दोनों को लेकर आओ। इतना टाइम नहीं है, चलो बैठो अंदर। अच्छा ओके, गैर कानूनी संबंध का मामला है, लेकिन ये न्यूज हमारे लिए कंप्लीट नहीं है। हमें एक खास न्यूज की जरूरत है। रज्जाक तुम इस मामले में जांच पड़ताल कर रहे थे है ना, हमें इस कहानी को अलग नजरिए से देखना होगा। तुम्हें जेल जाकर उस महिला से बात करनी चाहिए और फिर उस उस्मान और स्पॉन्सर से बात करो। एक बात समझ लो, हमें इन सब का लाइव स्केच बनाना है। हमें उसके गाँव की स्थिति को भी सामने लाना है। उस अरब के घर में उसको जो मुसीबतें झेलनी पड़ी और रेगिस्तान में उसका भटकना, कुल मिलाकर हर शुक्रवार को एक शानदार कहानी पब्लिश कर दी, समझे? जब आर्टिकल में तुम्हारा नाम होगा तो यहाँ के सभी लोग उस पर विश्वास भी कर लेंगे। एक भारतीय महिला की धमाकेदार रूह कपा देने वाली स्पेशल न्यूज। रज़ाक, ये टाई और सूट पहनकर एसी कमरे में बैठे रहोगे तो कैसे पता चलेगा कि बाहर लोग कितनी मुसीबत में हैं? कभी मेरी तरह जाकर लोगों से मिलो, तब असलियत का पता चलेगा कि जिनकी न्यूज तुम छापते हो उनके दिल पर क्या गुजरती है। चल इधर आ। मैं रज़ाक हूँ,
रियाद में एक सोशल वर्कर हूं। मुझे सब पता है कि तुम उस परिवार से कैसे बच निकली और यहां तक कैसे पहुंच गई। यहां का कानून बहुत सख्त होता है, इसीलिए सजा तो भोगनी पड़ेगी। स्पॉन्सर ने तुम्हारे खिलाफ जो केस किया है उसके लिए अब तुम्हें दंडित नहीं किया जाएगा। मैंने तुम्हारी मां से फोन पर बात की है। फिक्र मत करो, मैंने उन्हें बता दिया कि तुम यहां हो। मैंने उनसे बहाना बना दिया कि तुम उनसे बात नहीं करना चाहती। उनको विश्वास हुआ कि नहीं पता नहीं। सजा खत्म होने पर तुम घर जा सकती हो। तब तक हिम्मत रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो आपको जानता नहीं हूं, तो आप हेल्प क्यों कर रहे हैं? तुम भी तो अश्वथी को नहीं जानते हो, फिर भी तुमने अश्वथी की मदद तो की है ना? हो सकता है कि ऊपर वाले ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए भेजा हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे गांव में तुम्हारी खबर दे दूं। नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरा इंतजार करे। तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। तुम्हारे स्पॉन्सर ने तुम्हारा वीजा कैंसिल कर दिया। इस देश से निकलने का एक ही रास्ता है। अगर हम कुछ नहीं करते तो प्रक्रिया में और देरी होगी। क्या तुम इतने लंबे समय तक जेल में रह लोगे? भले ही तुम्हारा परिवार ना हो, लेकिन तुम्हें अपने देश में तो जाना चाहिए ना। 15 सालों से इस देश में हूं मैं, जिससे कि मुझे कुछ होना, लेकिन मैं बच नहीं पाया। मैं उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था, ताकि उसे बचा लूं मैं। लेकिन क्या हुआ, वो नहीं बची ना। तुम रेगिस्तान में काम करते थे ना? रेगिस्तान में जहाँ कोई जिंदगी नहीं होती, वहाँ हम ठिकाना ढूंढ लेते हैं। छोटे छोटे पौधे भी रेगिस्तान में हार नहीं मानते। अगर वो छोटे पौधे हार नहीं मानते तो हम इंसान होकर आखिर हार क्यों माने? हम उन पौधों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हम इंसान तो सब कुछ का सामना कर लेते हैं। ये क्या कर दिया रजाक भाई? क्या हुआ? तुम रोज रोज एम्बेसी जाते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए कहा, लेकिन तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर हमेशा देरी कर देते हो। हमेशा दूसरों की चिंता में लगे रहते हो, अपने बारे में सोचते ही नहीं हो। आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, दोनों दिन छुट्टी होती है। मुझे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने की क्या जरूरत है? मुझे अभी तुम्हारे घर से फोन आया, जब तुम अंदर थे। आखिर बात क्या है? तुम्हारी अम्मी अब नहीं रही रजाक। दिल के दौरे से उनकी मौत हो गई। अब तुम अपने गांव कैसे जाओगे रजाक? तुमने पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं कराया। रजाक भाई, सलीम, अब मेरी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी। मस्जिद की अथॉरिटी से मां की कब्र को पिताजी की कब्र के पास ही बनवाना होगा। मां की यही इच्छा थी कि मैं ऐसा ही करूं। चलो चलते हैं। हम मां को यहीं पर सुपुर्दे खाक करेंगे। मैं मां के लिए बस इतना ही कर सकता हूं।
ये टिकट और पासपोर्ट। नींद में हमें बहुत बुरे सपने आते हैं, लेकिन जागने के बाद हम सब भूल जाते हैं। वैसे ही यहाँ की घटनाओं को एक बुरा सपना समझकर तुम भूल जाना, यहाँ से जाते समय इस मरुभूमि को भूल जाना, नई दुनिया में जाना। तुम दोनों ने जितनी मुसीबतें उठाई उसका आज अंतिम दिन था। ठीक है, हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, कौन से हॉस्पिटल में? हाँ मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। ये डेड बॉडी रेगिस्तान में मिली थी, 4 महीने से यहीं है। नहीं, मैं नहीं जानता, मैंने इस इंसान को पहले कभी नहीं देखा।